उससे तो बहुत अच्छी स्पीड है उसमें तो, अगर ये देखो ये 7 GB का अगर मैं रीड कर रहा हूँ सपोज इसमें मुझे लग रहा है आधा घंटा, उसमें लगेगा 1 मिनट। 58 GB का अगर रीड करना है इसमें लगेंगे 4 घंटे से 5 घंटे, उसमें लगेगा आपको मिनिमम 10 मिनट के अंदर स्पीड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये डम रीड हो रहा है, देखो 4 फाइल रीड कर रहा है, पहले इसने रीड किया आपकी EHT CSV। जहाँ पे मेरा UOPI का सेटअप इंस्टॉल होता है उसी फोल्डर में जाके एक फोल्डर खुद ही बनाएगा। मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली वहां पे क्लिक किया और रीड किया, बाकी का काम यह UOPI कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है, इसने एक फोल्डर क्रिएट किया अंदर इसके नाम से, ओप्पो का है ना, ये ओप्पो के फोल्डर में जाके फोल्डर बना देता है, वहां पे ये 4 फाइल ऑटोमेटिक सेव करता है। अगर ये काम इजी अटैक से करना है तो पूरा काम मैनुअल, मतलब सेलेक्ट भी करो, एक फोल्डर को क्रिएट भी करो, और ये 4 फाइल जो रीड कर रहा है क्या ऑटोमेटिक 1 क्लिक में, वैसा नहीं करता, ये अलग से रीड करना, ये अलग से रीड करना, ये भी अलग से रीड करना, ये भी अलग से रीड करना, सब अलग अलग रीड करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है उसमें। लेकिन मजा भी आएगा उसमें आपको, तो ये थोड़ा सा आपकी मेहनत बचाता है, इसके लिए इसको ऑटोमेटिक का काम बोलते हैं। यहां देखो ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन कितने दिख रहा है आपको, मैं शर्त लगाता हूं अगर इजी अटैक में कहीं भी ऑटो का बटन दिखा, ऑटो का बटन है ही नहीं उसमें, इसमें भी ऑटो का बटन है, पूरा मैनुअल है उसमें, तो कुछ भी नहीं है उसमें, मैनुअल है ना उसमें ऑटोमेटिक, उसका वो डायरेक्ट काम करता रहता है। तो कितना टाइम बता रहा है, 5 मिनट में ये डम रीड हो रहा है। बिना डम रीड करे आप फॉर्मेट करेंगे, हेल्थ रिपेयर करेंगे, तो कस्टमर का आईवी नंबर क्या हो चला जाएगा। तो ये सबसे पहले काम आपका है, ये डम रीड आपको जरूरी है करना। अब एक बार ये डम रीड हो जाएगा उसके बाद मुझे डरेगा कुछ चीज का, इमेंसी डेढ़ भी होगी तो टेंशन नहीं है, मैं ये डम दूसरे इमेंसी में डालूंगा डायरेक्ट चालू हो जाएगा। एक बार मेरे पास कस्टमर का आईवी नंबर रीड हो गया, फिर ये एमएनसी फॉर्मेट हो जाए, रेड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मेरे पास उसका क्या क्या चीज पड़ा हुआ, पूरा बैकअप पड़ा हुआ है। ये गलती से कभी छूटना नहीं, पहला ये चीज होना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इसमें 4 मिनट बता रहे, इसके बाद इसका मैं EMC फैक्ट्री इरेज यहां पे लिखा हुआ देख रहा हूं, ये फैक्ट्री इरेज क्या करेगा, तो आपको 3 अलग अलग तरीके बताऊंगा, एक ये फुल डम, एक हाफ डम। अगर आप ये दोनों भी डम का काम नहीं करना चाहते तो सीधा पिंक फाइल को रीड करके भी कर सकते हो, मेन आईएमए बचाना है। ठीक है, तो होने देंगे इसको, ये तो बहुत इजी है डम रीड करना, सिर्फ आपको वहां जाना है, यहाँ पे साइज लेना है आपको, 1 GB लेना है 1 GB ले लो, फुल डम लेना है फुल डम ले लो। अगर 1 GB का डम रीड किया तो क्या करना पड़ेगा, नहीं इसमें तो आ जाएगा आईएमए नंबर, फ्लैशिंग करना पड़ेगा ना। अगर मैं फुल डम रीड करके राइट करता हूँ तो फ्लैश करना पड़ेगा क्या, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा साइज ले रहा है जिसमें फ्लैश फाइल भी आ रहा, अभी मैंने इसका लिखाया नहीं। ठीक है, अभी लिखाऊंगा तब समझ में आएगा। पहले डम रीड करने का अपने बॉक्स में से, हाँ अपने सेटिंग में जाके, अपने सी में जाके देखना पड़ेगा, ये सी के फोल्डर में जाके क्रिएट होता है। अगर डालेंगे तो आईवी नंबर भी आएगा ना उसका, एक आईवी नंबर दो दो जगह चलाएंगे क्या, तो जिसका है उसी में डालो, किसी और में मत डालो। अगर इसकी है EMMC, अगर इसकी डेट हो गई तो दूसरे में हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर EMMC इसकी डेट हो गई तो इसी कस्टमर को दूसरा EMMC डाल के दे रहे, तो ये डम उसमें डाल के दे देना, क्योंकि उसका आईवी नंबर भी इसमें आ जाएगा। एक ही जगह यूज करना है, सेम मॉडल दूसरे किसी कस्टमर को डाल के दे देना, मैं तो आईवी नंबर भी क्या हुआ,
सेम हो जाएगा, वो दोनों खुल रहे हैं। और मेरे पास फाइल जो डाउनलोड है मेरे कंप्यूटर में U6 है, तो मेरे को ये बताओ क्या मेरे पास ये जो ये फाइल में उसको राइट कर सकता क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? बोलो, नहीं कर सकते। कस्टमर के फोन में एसेट आया था, ठीक है, पैसे नहीं लिए। अब मेरे पास जो थी, मेरे पास 6 वाली वर्जन की है, क्या मैं उसको क्रैश कर सकता है? क्यों कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नंबर जो है डाउनग्रेड हो गया, डाउनग्रेड हो गया ना, अपग्रेड तो नहीं है। तो डाउनग्रेड कभी नहीं कर सकते, डाउनग्रेड करने की कोशिश करें फोन हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एसेट है, एसेट कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है, एसेट नंबर कहाँ पे? यहाँ पे। अब हमारे पास है U6, ठीक है, तो याद रखो यू और ये यू और एस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब एस देखो, इसमें यू भी है और एस है, A50 में यू भी है और एस का भी सीरीज है, लेकिन एस और यू का कोई काम नहीं है, मेन काम उसका नहीं है, मेन काम उसके साथ का नंबर है। क्या है? नंबर। उसके साथ का नंबर है, उसके साथ में नंबर क्या है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, सेम है दोनों। तो अगर मेरे फोन में U9 है और मेरे पास S9 की फाइल है, मैं उसको फ्लैश कर सकता है? कर सकते हैं ना, क्योंकि S और U का कोई भी मेल नहीं, उसका ये वर्जन से नहीं, मेन वर्जन नंबर से। तो 9 की जगह पे 9 ही जा रहा ना, कुछ 8 भी डाल सकते हैं बस। हाँ, इसकी जगह पे ये डालो या इसकी जगह पे ये डालो चलता, लेकिन इसकी जगह पे अगर डाउनग्रेड करे होगा क्या? नहीं। जैसे कि समझ लो ये अभी ये वो U6 यहाँ पे है। अब आप एक बंदा समझ लो स्कूल में पढ़ रहा है, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, ठीक है। अब जब वो स्कूल में पास होता, पास होने के बाद कहाँ जाता भाई? 6 पास करने के बाद कहाँ जाता? 7 में जाता, पीछे तो नहीं जाता। चलो ठीक है, फेल हो गया, पीछे नहीं आएगा। तो वैसे ही सैमसंग के अंदर जो मोबाइल के अंदर वर्जन चल रहा है बाइनरी, एक तो सेम डलेगी या आगे के डलेगी, पीछे के नहीं डाल सकते। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं बाइनरी वर्जन। अब आपको कैसे पता चलेगा फोन के अंदर कौन सा चल रहा है ना? अब आप पैटर्न लॉक पे आया फोन, बिना आप अबाउट सेटिंग में जा नहीं सकते, अबाउट में जा नहीं सकते, आपको तो वही दिखेगा ना, लेकिन आप पैटर्न लॉक लगा हुआ है कैसे देखेंगे इसका बाइनरी वर्जन? आप रिकवरी में डाल सकते, वाइप करते ना भाई, वाइप करने के टाइम देखो वहां पे उसका इंफॉर्मेशन, वहां पे इस तरह से पूरा पूरा फाइल का इंफॉर्मेशन ऐसे दिखाता है। आप वहां से भी देख सकते हो, नहीं अगर दिख रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं, सीधा सीधा आप वेबसाइट पे आके लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करो, क्योंकि लेटेस्ट क्या आगे लेटेस्ट है क्या? आप लेटेस्ट डालोगे उसमें कोई भी वर्जन रहने दो, कोई भी इधर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप लेटेस्ट यूज कर रहे हो ना। समझ में आ रही बात? तो ये चीज है बाइनरी जो मेन है, बाइनरी का सेम डालो, पीछे का नहीं डाल सकते। इसकी जगह पे एस के डालो, एस की जगह पे यू डालो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये फोन में चल रहा है मेरे S5 का वर्जन चल रहा है, S5 का फोन में चल रहा है, मेरे पास U8 की फाइल है डाउनलोड करी, मुझे बताओ मैं S5 की जगह पे U8 डाल सकता है? डाल सकते, क्यों डाल सकते इसका एक्सप्लेन करो, और क्यों नहीं डाल सकते इसका भी एक्सप्लेन करना है सर। तो ये बताओ डाल सकते तो क्यों? ठीक है सर, स्टार्ट से बताओ। नहीं नहीं, जितना बोला उतना ही बोलो। S5 की जगह पे अगर U8 डालना है मुझे, मेरे पास है, तो डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? बेसिक फंडा सैमसंग का ये है कि उसमें आप सामने जा सकते, पीछे नहीं आ सकते। हाँ, अच्छा, ये इसके साथ एस है, इसके साथ यू है, उससे कुछ लेन देन नहीं, खाली नंबर चाहिए सीधा नंबर। इसके साथ 5 है, इसके साथ 8 है, तो 5 के आगे का लेटेस्ट वर्जन नंबर क्या है?
एट है ना, मतलब सेवन सिक्स सेवन और एट, ठीक है, तो एट डाल सकते है ना, डायरेक्ट भी मैं आगे जा सकता, लेकिन पीछे अगर सेम टू सेम मेरे फोन में भी और मेरे पास भी फाइल सेम है, कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? तो यही बाइनरी का मेन रीजन है सैमसंग में, आप यही एक एरर है, बाकी इसमें से 10-15 एरर नहीं आते कोई चीज का, एक ही एरर आएगा ओनली बाइनरी वर्जन का। हाँ, दूसरा अगर आपके पास आया प्रॉब्लम, जैसे कि एक जेटू किसी ने बोला था मुझे यहाँ पे, फ्लैश करने के बाद भी फोन फ्लैश हो रहा है, डन हो रहा है, लेकिन